बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द टू टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ द सिनैप्स। सिनैप्स इज़ बेसिकली द कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। एक जनरल और ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा सिनैप्स का, वो ये कि जो सिनैप्स होती है उसमें हमारे पास एक प्री सिनैप्टिक टर्मिनल है, एक पोस्ट सिनैप्टिक टर्मिनल है, एक सिनैप्टिक क्लेफ्ट है, ठीक है। एक ये न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है, ये प्री सिनैप्टिक टर्मिनल आ गया, एक ये न्यूरॉन होगी, एक ये न्यूरॉन होगी, इन दोनों के दरमियान एक हल्की सी स्पेस होती है जिसको सिनैप्टिक क्लेफ्ट कह देते हैं। अब फीचर्स देखते हैं प्री सिनैप्टिक टर्मिनल के क्या होते हैं। जो प्री सिनैप्टिक टर्मिनल है वहाँ पे अलॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और किन के लिए, सिनैप्टिक वेसिकल्स के लिए। सिनैप्टिक वेसिकल्स होंगे, सिनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। कैल्शियम चैनल्स होंगे, कैल्शियम चैनल्स का क्या काम होता है कि जब भी नर्व इंपल्स जो है वो इस प्री सिनैप्टिक टर्मिनल के रीजन में आता है तो कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है टर्मिनल प्री सिनैप्टिक टर्मिनल के अंदर, वो क्या करेगा कि वेसिकल्स को फ्यूज करवाएगा विद प्री सिनैप्टिक टर्मिनल की मेम्ब्रेन जो होती है, इसके साथ वेसिकल्स को फ्यूज करवाएगा। जब वेसिकल्स फ्यूज हो जाएंगे तो एक्सोसाइटोसिस के जरिए से इस वेसिकल्स के अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स पड़े हैं वो ये बाहर निकल आए। न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहाँ पे बाहर निकला है, प्री सिनैप्टिक क्लेफ्ट में। क्लेफ्ट क्या है, एक स्पेस है जो कि इन दो न्यूरॉन्स के दरमियान, जो कम्युनिकेशन था दो न्यूरॉन्स का, इनके दरमियान एक स्पेस होती है जिसको सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी 200 से 300 एंगस्ट्रॉम इसकी जो होती है विड्थ होती है इस मेम्ब्रेन की। अब हमने कहा कि अब जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स आगे, अब यहाँ पे प्री पोस्ट सिनैप्टिक टर्मिनल की बात कर लेते हैं। पोस्ट सिनैप्टिक टर्मिनल में एक रिसेप्टर साइट होगी जिस पे न्यूरो ट्रांसमीटर्स ने आके उस रिसेप्टर साइट पे अटैच हो जाना है। जब न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिसेप्टर साइट पे आके अटैच होंगे तो दूसरा कंपोनेंट होता है जिसको आयनोफोर कंपोनेंट कहते हैं। आयनोफोर कंपोनेंट फर्दर दो चीज़ों में कंसिस्ट करता है, एक आयन चैनल्स में कंसिस्ट करता है, दूसरा सेकेंड मैसेंजर सिस्टम में कंसिस्ट करता है। जब न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर साइट पे आके अटैच हो जाएगा तो अगर तो न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो आयन चैनल्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे। अगर एक्साइटेटरी होगा तो सोडियम आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे, सोडियम अंदर आ जाएगा, डिपोलराइजेशन हो जाएगी और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। और अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स इनहिबिटरी होंगे तो क्लोराइड और पोटेशियम चैनल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, क्लोरीन अंदर आएगा, पोटेशियम बाहर निकल जाएगा, अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाएगी और इनहिबिशन हो जाएगी, यानी फर्दर आगे जनरेशन ही नहीं हो सकेगी नर्व इंपल्स की। और सेकंड मैसेंजर सिस्टम ने क्या करना होता है कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि एक्टिवेट करवा देते हैं सेकंड मैसेंजर सिस्टम को। सेकंड मैसेंजर सिस्टम पता है आपको कि इसमें हमारे पास जी प्रोटीन्स बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं। सेकंड मैसेंजर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा होते हैं लेकिन हम लोग ज़्यादातर जी प्रोटीन्स की बात करते हैं। जी प्रोटीन्स में अल्फ़ा, बीटा, गैमा ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर जो अल्फ़ा जो उसका सब यूनिट होता है वो उससे जी प्रोटीन से अल्फ़ा सब यूनिट जो है वो सेपरेट हो जाता है। फिर अल्फ़ा सब यूनिट ने जाके फर्दर एंजाइम्स को एक्टिवेट करना है, साइक्लिक एएमपी को, साइक्लिक एटीपी को एएमपी में कन्वर्ट करना और वेरियस प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करना और आगे जो भी इसको रिक्वायर्ड फंक्शन होगा, जीन की एक्सप्रेशन करवानी है, ट्रांसक्रिप्शन करवानी है, जो भी इसको रिक्वायर्ड फंक्शन होगा उसने वो करना है। सो एक बेसिक ओवरव्यू था एक सिनैप्स का जो कि कम्युनिकेशन है टू न्यूरॉन्स के दरमियान। प्री सिनैप्टिक टर्मिनल, इसको हम लोग सिनैप्टिक नोब भी कहते हैं। इस प्री सिनैप्टिक टर्मिनल में माइटोकॉन्ड्रियाज बता दिए काफ़ी ज़्यादा हैं, सिनैप्टिक वेसिकल्स हैं, कैल्शियम है। पोस्ट सिनैप्टिक टर्मिनल में क्या चीज़ें आती हैं, कौन से चैनल्स आते हैं, सेकंड मैसेंजर सिस्टम आता है, सिनैप्टिक लेफ्ट क्या है, इसकी स्पेस क्या है, तो ये सारे जनरल फीचर्स हैं हमारे पास सिनैप्स के। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिनैप्स, और ये वाइवा में भी बहुत पूछते हैं, इसकी डायग्राम पेपर में आती है बनाने के लिए, और वाइवा में भी इसके डायग्राम बना सकते हैं। अगर कोई इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।